नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से। हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आज आप सबों को पनीर नान बनाकर खिलाने का विचार कर रही हूँ। उसके लिए जो मैंने यहाँ पर सामान रखे हैं उसमें से मैं कुछ आपसे शेयर कर दूँ। ये दो आप जनरल जो मैं आटा है वो उसको रखी हूँ, एक कटोरे में मैदे हैं और यहाँ आधा कप दही है, 2-3 चम्मच के करीब तेल है, यहाँ हरी मिर्च है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पनीर है। अभी इन सबको मिलाकर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। सबसे पहले इसमें जो आटा है उसको डाल देते हैं। 2 कटोरे मैंने आटे लिए हैं और 150 ग्राम पनीर होगा, ये मैदा हो गया। दोस्तों अब इसमें आधा चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल दे रही हूँ, साथ ही 1 चम्मच मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ। नमक आप अपनी सुविधा अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इन सबको अच्छी तरह से पहले मिलानी है, आप हाथ से भी इसको मिला सकते हो। अब 1-1.5 चम्मच आप इसमें पिसा हुआ चीनी का पाउडर डाल दीजिए और सबको मिलाते रहिए। इसको जितने अच्छी तरह से मिलाएंगे उतना ही अच्छा ये तैयार होगा, तो इसको अच्छे से मिलाना है। और यहाँ जो दही रखे थे आधा कप, इसको भी इसमें डालकर मिलानी है। साथ ही इसमें आपको 2 चम्मच के करीब तेल भी डाल देने हैं, 2 से 3 चम्मच इसमें तेल डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिलाइए। फेंट फेंट कर मिलाइए, हाथ से चाहिए तो हाथ से मिलाइए। दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब पानी से जैसे रोटी के लिए आटा को गूंथते हैं वैसा कम कम पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा डाल के डो को तैयार कर लेना है। दोस्तों अब ये आटा गूंथ कर तैयार हो गया है, अब इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं ढक कर किसी चीज़ से, कपड़े से ही मैं अभी ढक दे रही हूँ। तो दोस्तों अब इधर भड़ावन तैयार कर लेते हैं और इसके लिए जो पनीर है इसको आप कद्दूकस के जैसा कर भी सकते हो, मैं तो इसको हाथ से ही ऐसे महीन कर देती हूँ। ये घर का निकाला हुआ है तो बहुत आसानी से ये क्रश हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ आप देखोगे तो ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च आपको जितना खाना है, बच्चे अगर हैं तो कम भी आप डाल सकते हो। साथ ही यहाँ आधी है वो कद्दूकस किया हुआ है, इसको डाल दे रही हूँ। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ये आपका कश्मीरी लाल मिर्च है, यहाँ ये मेथी है, मेथी कस्तूरी मेथी है और ये मैं लाल वाला मिर्च रखी हूँ। लाल वाले मिर्च को आप रख भी सकते हो तीता चाहते हो तो, नहीं चाहो तो नहीं भी रख सकते हो। साथ ही यहाँ चाट मसाला है, इसके जगह पर आप चाहो तो आमचूर भी रख सकते हो। अब मैं यहाँ आती हूँ, ये प्याज है, प्याज बहुत ज़्यादा है इसलिए प्याज अपने अनुपात से इसमें से करीब करीब 1.5 प्याज के बराबर इसमें डाल लेनी है। इसके बाद अब है इसमें नमक का समय है तो नमक इसमें आप अपने अंदाजा से जितना खाते हो उतना डाल दो, मैं इतना डाल देती हूँ। दोस्तों अब इसको अच्छी तरह से आपको मिला देनी है, सबको फेंटते हुए अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना है। दोस्तों अब करीब करीब 2 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ और इसको थोड़े से आपको और गूंथने हैं। हाथ में हल्का सा आप तेल लगा लो और तेल लगा कर आप इसे इसको अच्छी तरह से और थोड़ी देर इसको गूंथ दो। ये जितना सॉफ्ट होगा उतने अच्छे हमारे नान बनेंगे। दोस्तों अब लोई पहले इसमें से निकाल लेते हैं, आप जितने बड़ी बनाना चाहते हो उसके अनुपात में इसका लोई काट लेना है और इसको हाथ में रख के अच्छी तरह से मसलते हुए लोई बनाकर तैयार कर लो। अब इसको सूखे हुए आटे को लगाकर बेलनी है, आप इसका लंबा चाहो लंबा भी बना सकते हो, गोला चाहो गोला बना सकते हो, जैसी इच्छा हो ऐसा आप बना सकते हो। सबसे पहले इसमें भड़ावन जो है उसको
डाल देनी है ऐसे बनाने के बाद। अब भरावन लेना है और भरावन आपको इसमें डाल देना है। भरावन डालने के बाद अब इसको हर तरफ से उठाते हुए आपस में जोड़ते चले जाओ। इसको फिर से गोले बना देने हैं, फिर परथन लगा देनी है यानी सूखा हुआ आटा लगा देना है और फिर इस पर आपको बेलनी है। दोस्तों नान जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा मोटा ही होता है, इस बात का ख्याल रखें। बस इस तरह से बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। अब ये बेलकर तैयार हो गया आपका, तो अब इसमें क्या करना है, आपको एक साइड में इसमें पानी लगा देनी है। इस तरह से पानी लगा देनी है और तवा जो आप गर्म करके यहाँ रखे हुए हो इस पर ले जाकर रख देनी है। एक मैं और इसको आपसे दिखला देना चाह रही हूँ। मैं इस तरह से भी इसको बंद कर लेती हूँ, ये मुझे ज़्यादा सुविधा वाला लगता है। आप भी इस तरह से इसको बंद कर सकते हो, जैसे हम लोग पूड़ी वगैरह को बंद करते हैं। ऐसे बंद करने के बाद फिर से इसको बेल लेनी है, बस ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करना है, थोड़ा ये मोटा ही रहेगा। अब आइए इसको पलट कर देख लेते हैं इसकी क्या स्थिति है। ये देखो कितने अच्छे से ये इस तरफ से पक गया है। अब इसके दूसरे साइड में भी पका लेते हैं और फिर इसके आगे देखते हैं। दोस्तों अब इसको उठाकर कहाँ ले चलते हैं, ये आप देख लो, यहाँ मैं इसको डाल रही हूँ। इस पर ये धीरे धीरे करके ढंग से पक जाएगा। इधर दूसरे वाले में मैं फिर पानी लगा दे रही हूँ और इसको तवे पर ले चलकर रख देते हैं। एक बार में दोनों तरफ काम हो रहा है और इस तरह से हम लोग बीच बीच में इसको देखते भी रहे कि किस तरह का ये बना है। आप देखोगे कितना सुनहरा कलर इसका, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब इस ये दूसरा वाला जो है इसको भी पलट देते हैं। दोस्तों अब इसमें घी लगा देते हैं। आप जो भी चाहो, घी, मक्खन, जो आपके आपकी इच्छा हो आप इसको लगा सकते हो। देखो कितने बेहतर ढंग से ये पक के तैयार हो गया है। ये थोड़े थोड़े से लगे हुए रहते हैं इस तरह का, और इसीलिए हम लोग पानी से इसको करते भी हैं ताकि इस तरह के इसमें बन जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आकर के आपका नान भी तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कितने खूबसूरत ये आया है। और साथ ही आप देखोगे यहाँ मैंने शाही पनीर बनाकर आपके लिए रखी है, तो आप आइए और इसको खा सकते हो। मैं आप लोगों को सबको इनवाइट कर रही हूँ और इसी के साथ मैं चल भी रही हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।